अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? लग रहे सब ठीक ठाक हों। जो बीमार हैं अल्लाह उनको सेहत दे, जो परेशान हैं अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर करे। रब्बुल आलमीन हम सब की परेशानी अल्लाह पाक दूर करे। ये मैंने कढ़ाई रख ली है और ऑयल भी डाल दिया है, साथ में प्याज डाल दिया है। कभी कभार कुछ भी बनाने के लिए नहीं होता तो कोई ऐसा बंदा होता है जैसे जिसके बीपी का मसला होता है या कोई बीमार है या प्रेस वाला, खाना बनाना हो तो कैसे बनाए। आज मैं वैसे ही बना रही हूँ फटाफट झटपट। थोड़ा सा सालन है, प्याज हल्का ब्राउन कर लूँगी मैं। आजकल आपको पता है ये वाइट प्याज आया हुआ है मार्केट में, जल्दी ब्राउन भी नहीं होता। ये देखें जी, हल्का सा ब्राउन हो गया प्याज। अभी इसमें मैं ये 1 पाव कीमा है ये डाल रही हूँ। मैंने प्याज में डाला है, ऑयल भी मैंने कम लिया है इनके जो बीपी वाले या किसी भी कोई भी ऐसे बीमार होते हैं वो चिकनाई भी कम खाते हैं और नमक भी नहीं खाते। इसको अच्छे से भून लूंगी। जब ये अच्छे से भून जाएगा, इसकी खुशबू खत्म हो जाएगी गोश्त की, और साथ में ये अच्छे से पानी भी खुश्क हो जाएगा। ये देखिए इसमें कितना धुआं है, ये सर्दी है तो सर्दी की वजह से फिर धुआं ज़्यादा महसूस होता है, भाप ज़्यादा होती है उस वजह से फिर धुआं बन जाता है। ये मैंने मटर डाल दिए, आधा कप मटर है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, ये आप लोगों का प्यार है और मोहब्बत है। हम लोग भी मेहनत करते हैं, आप लोग अगर देखते हैं कमेंट्स करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। बिल्कुल सादा सा सालन है, कोई इतने ज़्यादा मसाले नहीं डाले। मैंने पहले भी बताया कि थोड़ा मरीज़ टाइप सालन है तो फिर इसलिए ज़्यादा मसाले बिल्कुल नहीं डालूंगी। मटर को भी अच्छे से साथ में फ्राई करना है, साथ में गोश्त भी फ्राई हो रहा है और मटर भी फ्राई हो रहे हैं। ये मैंने 1 चम्मच मोटी मिर्च डाली है घर की पिसी हुई, और साथ में चुटकी हल्दी डाली है, नमक मैंने नहीं डाला। अब इस मसाले को मैं अच्छे से भून कर अभी मैं टमाटर डाल दूंगी। टमाटर मैंने 1 टमाटर लिए है, उसको ऊपर से छिलका उतार दिए और ये टमाटर मैंने बीच में डाल दिए। अब इसको मैं थोड़ी टाइम के लिए अच्छे से टमाटर मिक्स करके ये अच्छे से डाल लूँगी थोड़ी देर तक, जब तक ये टमाटर अच्छे से मैश हो जाएंगे। फिर इसको 2-3 बार में अच्छे से चम्मच चलाना है, टमाटर भी अच्छे से मैश हो जाए और मसाला भी अच्छे से भुन जाए। नमक के बगैर सालन है तो ये बीपी के लिए जब भी आप लोग बन